अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं फरूख जावेद फ्रॉम जे डॉट एस एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी का सफ़र जो आपका है बड़े ज़बरदस्त तरीके से एहसन अंदाज से गुजर रहा होगा। आज की हमारी वीडियो है फैसल हिल्स की न्यू ब्लॉक के बारे में, न्यू बुकिंग के बारे में, जितनी भी डिटेल्स हैं और फंक्शन हुआ उसमें क्या अनाउंसमेंट्स हुई और क्या लायमल आगे के लिए इख्तियार किया गया, जितनी भी डिटेल्स हैं इसके बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जितने वीडियोस हैं फैसल हिल्स के ऊपर, ठीक है, और जितने भी ZM के प्रोजेक्ट्स हैं चौधरी मजीद साहब के, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। 19 मई 2022 को चौधरी मजीद साहब ने फंक्शन अरेंज किया जिसमें उन्होंने REC जितने भी डीलर्स से उनको इन्वाइट किया और काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया। लोग कम से कम भी मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार डीलर वो साइट के ऊपर आया और उन्होंने इस फंक्शन का बड़ा बेताबी से वेट किया और लोग जो है ना वो कह रहे थे कि भाई चौधरी मजीद साहब कोई अनाउंसमेंट करने जाएंगे और लोगों ने भरपूर उसमें हिस्सा लिया। उसका जो फैसल मेंशन है उसके अंदर उन्होंने इजलास बुलाया, उसके अंदर जो डीलर से जो कि पहले पहुँच गए थे और जो कि रजिस्टर्ड डीलर थे उन्होंने उसमें शिरकत की। अच्छा, जिससे मैं वो उन्हें फंक्शन स्टार्ट हुआ जो कि जिससे चौधरी मजीद साहब ने स्पीच की, तो उन्होंने नए ब्लॉक का तो ऐलान किया लेकिन न्यू बुकिंग्स का जो है उन्होंने पेंडिंग कर दिया। उन्होंने कहा कि हम न्यू बुकिंग जो है ना वो मंडे को फाइनल करेंगे, मंडे मतलब 23 मई 2022 आलमोस्ट डेट बनती है एग्जैक्ट। तो उन्होंने इसकी जो एग्जैक्ट डेट जो है ना वो एग्जैक्ट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मंडे को अनाउंस करने का फ़ैसला किया। अब यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आते हैं जहन में कि चौधरी मजीद साहब ने उस दिन क्यों अनाउंसमेंट नहीं की, उस दिन क्यों जो है ना लोगों को इतना सारा मजमे में जो है ना वो ब्लॉक के, तो उन्होंने ब्लॉग तो लॉन्च किया और मौके पे भी गए और उन्होंने ब्लॉग दिखाया भी, डी ब्लॉग मैप भी लॉन्च हो गया सारी चीज़ें, लेकिन नई बुकिंग जहाँ तक सवाल है, नई बुकिंग जिसका बड़ा बेताबी से हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स जिनके पास उन्होंने पैसे हाथ में लेके वो हमें कॉल कर रहे हैं कि हमें बुकिंग चाहिए, बुकिंग चाहिए, बुकिंग चाहिए, तो उनके लिए मतलब बड़ी सैड न्यूज़ थी कि कोई किसी किस्म का पेमेंट प्लान नहीं आया और किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट्स रेट्स के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से कोई किस्म की जो है ना इस किस्म की अनाउंसमेंट्स नहीं हुए। तो ये इस चीज़ में हम भी काफ़ी बड़े हैरान हैं कि ये क्या सीन है, मतलब ये जो है ना चौधरी मजीद साहब ने क्या सोच के ये चीज़ पेंडिंग की है। उसमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं, या तो शायद इतने ज़्यादा डिमांड देख के उनके जहन में भी और चीज़ आ रही होगी हम मैं रेट्स इंक्रीज़ कर लूँ, क्योंकि डिमांड इस टाइम मार्केट में इंतहाई ज़्यादा है। हर दूसरी कॉल हमें बुकिंग्स के हवाले से आ रही है, हर कोई बंदा हमें अप्रोच कर रहा है कि मैंने फैसले इसमें कितने मतलब जाना, कोई कहता है 5 करानी है, कोई कहता है 10 करानी है। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि इस टाइम अगर फर्ज़ मैल मंडे को पेमेंट प्लान इनका आ जाता है और एग्जैक्ट किस्म की न्यूज़ आ जाती है कि इतनी 8 लाख 9 लाख जो भी सोसाइटी रेट डिसाइड कर दिया उसके मुताबिक अगर इसके रेट्स आ जाते हैं, तो एक हमसे काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि हम किस तरह बुकिंग करवाएंगे जो एंड यूज़र हैं। तो उनको मैं यही कहूँगा कि जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि जो ऑलरेडी हमें पहले भी कह चुके हैं कि हमें बुकिंग्स करवानी है, तो उनको मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले तो वेट करें मंडे तक। फ़र्ज़ मैल अगर उसकी बुकिंग्स आ जाती हैं और एग्जैक्ट पेमेंट प्लान भी आ जाता है तो आपने हमारे ऑफिस आ जाना है B17 में। अगर उधर आप अप्रोच नहीं कर सकते तो आपने ZM आ जाना है और पे ऑर्डर आपने लगाना होगा सोसाइटी के नाम से और डायरेक्ट, और उससे पहले हमें जो नीचे दिया गया वो नंबर है आप जो है ना जो जिसका आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, उसमें हमें नाम लिखवाते हैं आप अगर जो है ना इंटरेस्टेड हैं, आप हमें नाम और जितने भी बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है वो हमें दे दें ताकि हम आपका नाम जो है ना वो रजिस्टर कर दें, ताकि ये हमारे लिस्ट में इतने बंदे हैं ऑलरेडी हमने लिस्ट बनाई हुई है और इसमें लिस्ट में मज़ीद अगर कोई आना चाहता है तो हम इसमें एक्सटेंशन लिस्ट में करते जा रहे हैं।
तो आपने हमें बर वक्त बता देना है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं जिस तरह की अभी इस टाइम इसकी डिमांड है, जिस तरह लोग इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद घंटों की गेम होगी, चंद मिनटों की गेम होगी, उसके बाद इस पर ऑन चलना शुरू हो जाएगा। तो लेवल पे चीज़ लेने के लिए, लेवल पे चीज़ अप्रोच करने के लिए, डाउन पेमेंट के ऊपर चीज़ उठाने के लिए आपने बर वक्त हमसे रब्ता करना है, या जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके डीलर्स हैं, उनसे आपने रब्ता करना है और उनको बताना है कि आप जो है ना, ये बुकिंग्स हैं हमारी और पे ऑर्डर आपने इन टाइम लगाना है, विद इन मतलब जो है ना वो 1 या 2 आवर के अंदर अंदर आपने पे ऑर्डर लगा के, तो वो आपने, या तो इससे भी हो सकता है कि आप उनको, अगर जो आपके बाएतमाद किस्म के डीलर्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनके अकाउंट्स में आपको पैसे लगवा दें और वो अपने कंपनी अकाउंट से जो है ना पे ऑर्डर लगा के बुकिंग्स आपकी करवा दें। उसमें बेसिक्स आपको बुकिंग्स में जो चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, उसमें यह है कि CNIC रिक्वायर्ड होती है, ओनर की नेक्स्ट ऑफ किन की CNIC रिक्वायर्ड होती है, फिर तस्वीर रिक्वायर्ड होती है या पिक्चर्स, वन बाय वन की पिक्चर, वो मोबाइल से आप उनको शॉट लेके तो सेंड कर दें और वो खुद ही उसको उसके अंदर फाइल के अंदर लगा देंगे। तो ये बेसिक, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका वो आपने लाजमी जो है ना उसमें सेंड करना, क्योंकि और नंबर वो हो जो कि हर टाइम आपका ऑन हो, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन जितने भी इंस्टॉलमेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी और बाकी जितने भी मामलात होंगे उसमें, ताकि आपको सोसाइटी वाले अप्रोच कर सकें। तो बाकी स्टे ट्यून, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो जितनी हैं उनको आप देखें, आप उसके अंदर मुझे जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर लम्हा आपको जो है ना जितने भी अपडेट्स हैं फैसले के बारे में, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं, रेट्स के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ हैं, सॉलिड किस्म का ये प्रोजेक्ट है, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे। आपको मैं एक बार फिर कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इस जर्नी में हमारे साथ शामिल हों, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।